इंदौर के ग्राम सिहासा में 15 वर्षों से इंदौर से रामदेवरा तक पदयात्रा निकाली जाती। पदयात्रा में प्रतिवर्ष 30 से 40 लोगों का समूह यात्रा में भाग लेता है एवं यात्रा में ग्रामवासियों के द्वारा पदयात्रियों को श्रीफल देकर तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है। यात्रा के मुख्य आयोजक नारायण ठाकुर एवं लखन सिंह ठाकुर एवं यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्राम के समस्त ग्रामवासियों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करना है। ग्राम सियासा से 15 वर्ष हो गए रूणी धाम जाती है बाबा रामदेव जी दरबार। धार्मिक ये जगाना है लोगों के अंदर आस्था प्रभु के प्रति, है ना। जो ये गलत कार्य करते हैं लोग, तो इससे जुड़ के और ये इन चीज़ों से दूर हो। ये सियासा मंदिर से, बाबा रामदेव जी के मंदिर से शुरू हो के और बाबा रामदेवरा तक जाती है। ये विगत 15 वर्षों से लगातार पद यात्रा यहाँ सियासा से बाबा रामदेव तक जाती है और गरीब हर साल मतलब 2-4-5 आदमी बढ़ते हैं और नारायण ठाकुर जी के नेतृत्व में सियासा पंचायत से रामदेवरा तक पैदल यात्रा होती है और ये 20-22 दिन का टूर रहता है। और ये इनका उद्देश्य ये है कि पूरे भारत में अमन और शांति का वातावरण रहे और सभी हिल मिल के अपना त्यौहार मनाएं और अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था रखें। ग्रामीण भारत टीवी के लिए इंदौर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।